इस वक्त अभी हम मौजूद है उत्तराखंड के हरिद्वार में। जी हाँ, मैं हूँ श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया लाइव। और अभी हम जो है हरिद्वार में गंगा स्नान कर चुके हैं। हमारे साथ हमारे गार्जियन, हमारे विजेंद्र भैया, रविकांत जी और साथ में नीरज जी। और आइए, यहाँ पर जो बाबा हैं, यहाँ के बारे में कुछ हम जानकारियाँ लेते हैं। क्या नाम है बाबा आपका हुआ? संतोष पांडे। संतोष पांडे, आज बाबा हम लोग हरिद्वार में आए हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो दर्शक हैं बिहार में, जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के दर्शकों को मैं हार्दिक बधाई करता हूँ, शुभकामनाएँ करता हूँ कि आप साक्षात हरिद्वार में माँ गंगा का नज़ारा देख रहे हैं, माँ गंगा का दर्शन कर रहे हैं। माँ गंगा सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पहले तो मैं पूर्ण रूप से, मैं भी एक बिहार का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा ज़िला नवादा पड़ता है। मैं यहाँ 30 साल से हरिद्वार हर की पैड़ी पे पंडित ताई का पूजा पाठ करता हूँ। और हरिद्वार आने पे सभी अनेक प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण होती है माँ गंगा। आजकल जो है पितरों का दिन चल रहा है, पितृपक्ष में श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, अनेक प्रकार का पूजा पाठ होता है। ये हर की पैड़ी आप देख सकते हैं, सामने हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था, और हरि मतलब भगवान विष्णु। यहाँ विष्णु भगवान का चरण पादुका है। जब माता पार्वती सती हुई थी तो उनका एक अंग यहाँ भी गिरा था। उस जहाँ जहाँ ये अंग उनका गिरा है, वहाँ वहाँ कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ का मेला लगता है। माँ गंगा सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यहाँ कौन सा मेला लगता है, कुंभ या अर्धकुंभ? दोनों लगता है, अर्धकुंभ और महाकुंभ। और देखिएगा, यहाँ हर महीने यात्री चेंज होते रहते हैं, यहाँ 12 मास मेला रहता है। यहाँ 12 महीना में वो कौन सा महीना है जहाँ सबसे ज़्यादा, जिस महीने में भीड़ लगते होंगे? जैसे बच्चों का स्कूल का छुट्टी पड़ जाता है, उसके बाद सावन का में आप देखिए, आपको बात करने का मेरे से फुर्सत नहीं मिलेगा, इतना भीड़ रहता है। सावन कांवड़ियों का बहुत भीड़ रहता है, अभी कल भी भीड़ रहेगा, पितृ विसर्जन अमावस है। यहाँ अनेक भीड़ का तो 24 घंटे भीड़ रहता है, यहाँ भीड़ रहता है। और अनेक प्रकार के यात्री आते हैं पूजा पाठ, जनेऊ मुंडन कर्मकांड के लिए, गंगा स्नान करने के लिए, और हम लोग पूजा पाठ कराते हैं। चलिए बाबा, काफ़ी भीड़ भाड़ है और साफ़ सफाई भी ठीक ही ठाक है। जो बाहर से आते हैं, जब कभी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो क्या ठहरने का यहाँ उत्तम व्यवस्था है? लगभग कितने लोग आ जाएंगे यहाँ एक बार में, तो यहाँ उन लोग का व्यवस्था हो जाता है? यहाँ कितना भी लोग आ जाए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। और यहाँ कितना भी पब्लिक आ जाए, गंगा जी का आशीर्वाद है, स्नान करके राय, कितना मेला निपट जाए, भारी से भारी मेला हो निपट जाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार से भी अपील करता हूँ कि यहाँ एक बिहार वालों के लिए धर्मशाला का व्यवस्था किया जाए, बिहार वासियों के लिए। बाबा यहाँ तो ये उत्तराखंड की सरकार है, तो यहाँ यहाँ राजस्थान वालों का जोधपुर भवन है, अनेक प्रकार का आश्रम है। यहाँ तो देखिए सुविधा अनेक प्रकार का है, और उसमें तो ये कोई ना भेदभाव रहेगा, कोई भी व्यक्ति गरीब आदमी जा कर के रह सकता है आश्रम में, धर्मशाला में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि खाली बिहार वालों का नहीं, एक धर्मशाला होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे बाबा जी, देखिए पानीपत से चल कर आए हैं विजेंद्र भैया, और ये अक्सर आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात इनके हमें बताते चलें कि जो कोई भी बिहार से आता है, बस उनके इच्छा पूछते हैं कि कहाँ चलना है, हरिद्वार, पानीपत, कुरुक्षेत्र, और बस ये चल देते हैं। तो आज हम लोग की इच्छा हुई कि हम लोग आज हरिद्वार चलेंगे, तो भैया हम लोग साथ हरिद्वार आएँगे। क्या कहना चाहेंगे भैया यहाँ के बारे में? हम आप लोग के आने से बहुत खुश हैं श्रवण जी, आप लोग हमेशा सेवा का मौका हमें देते रहिए, इसी तरह आप लोग जहाँ भी कहेंगे घुमाते फिराते रहेंगे, धन्यवाद। और भैया आपका यहाँ कितना बार अभी तक आ चुके हैं? मेरा 14 बार आ चुके हैं जी। तो 14 बार, 14 बार आपने किसी चाहने वाले लोगों के लिए ही आए हैं? लोगों के साथ ही आते हैं, और लोगों को जहाँ इच्छा होता है, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, मंसूरी, घुमाते फिराते रहते हैं। अच्छा। हमारे आए हुए अतिथिगण देव भव हैं, उनसे बड़ा हमारा कोई सेवा नहीं है। देखिए, जैसा कि मैं कहना है कि 14 बार आ चुके हैं, और 14 बार जो भी इनके क्षेत्र से आते हैं, जो भी इनके चाहने वाले हैं, जो भी इनके जान पहचान है, बस इच्छा जाहिर करते हैं, उनके साथ ये यहाँ चले जाते हैं। और अभी ये वापस जाएंगे, फिर से कोई आएगा तो फिर इनका यहाँ आना होगा। और इसके पहले भी हम इनके साथ आपको कुरुक्षेत्र का वीडियो दिखाने का काम किए थे, और भी हम लोग आज घूमे हैं, और आगे भी इन्हीं के साथ हम लोग आज भ्रमण करेंगे। और अभी आप हरिद्वार का दर्शन कर रहे थे, आपको एक एक चीज़ यहाँ के बारे में आपका बाबा बता चुके हैं, और जो भी कमियाँ बेसियाँ हैं, सरकार से हम भी आग्रह करना चाहेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाए। और जो भी हम भक्तगण, जो भी हम हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार यहाँ पर हरिद्वार में गंगा स्नान आकर जरूर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद।